और ये है जी मुर्गा राणा साहब, ये मुर्गा देसी है, वलायती है, देसी है जी, देसी मुर्गा जी। राणा साहब ने अपनी साड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है, देसी मुर्गा। ऐ देखो जी, घर दी गांव दी बनी हुई जी रोटी, माशाल्लाह। बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, अच्छा है, बहुत ज्यादा मीठा होना ही नहीं चाहिए, शुगर ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नई व्लॉग वीडियो में खुश आमदीद। इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नहर के किनारे पे खड़ा हूँ। ये है जंग ब्रांच लोवर, और जिसकी चौड़ाई जो है वो 14 फुट है। ये 14 फुट चौड़ाई नहर है। आज हम गांव में आए हैं, अमीपुर मंगला 272 JB डिंगरा मजारा। और यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, कुलीग हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं ऑफिस में। उन्होंने हमें दावत दी, आप उनके घर में दावत के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं आज उन्होंने हमारी दावत में क्या क्या जो है वो चीज़ें रखी हैं। हम आप ही हमारे साथ चले हैं, आपको भी दिखाते हैं। और ये एक छोटा सा व्हील होगा जिसमें हम गांव भी दिखाएंगे आपको, और रोटी छोटी प्रोग्राम भी होएगा। केड़ा होएगा, आज वो दिखाते हैं तुम्हें। शुरू कर रहे हैं पर हाँ, तो वहां लगा तब 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 ये दिखाई नहीं यहाँ पे गांव का माहौल, इनको गाय भैंसे और ये गांव के लोग दिखाएं। सीधे हाथ में पकड़ लो भाई, सीधे हाथ में सही लोग। ये मेमे बकरे दुकान की हट्टी है, जिसको पिंडों में दुकान को ना हट्टी कहते हैं, है ऐसा ही है हट्टी के अंदर। राणा साहब का घर, चले जी आ जाइए। राणा साहब ने ना यहाँ पे बुक्का रखा हुआ है, धुआं तो है ही नहीं, रुका चलता ही नहीं है सर। ये है जी राणा साहब का डेरा, और ये हमारे साथ जो है हमारे अमीर जमात, जो कि हमें गलत गाइड कर रहे हैं, रास्ता हमें गलत दिखा रहे हैं। और ये डॉक्टर सजाद, जिनको आप पहले भी जानते हैं, पहले भी मेरे साथ जो है वो काफी सफर कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी शानी पीते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि राणा साहब हमारी खिदमत के लिए क्या कौन से कुकर लेके आए हैं। राणा साहब ने साड़ी दावत ताम दा इंतजाम किया है, समान लेके आ रहे ने जी। अज इन्हां दी दावत जिहड़ी ना रिकॉर्ड होगी। राणा साहब ने हमारे टेबल जहाँ पे सजा दिया है, अब वन बाय वन चेक करके इमरान भाई वोट हाउस गया चीज है। और माशाल्लाह ये है जी बिरयानी है जी, चिकन बिरयानी, साथ वाले का दीदार कराओ जी। और ये है जी मुर्गा राणा साहब, ये मुर्गा देसी है, वलायती है, देसी है जी, देसी मुर्गा जी। राणा साहब ने अपनी साड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है, देसी मुर्गा। ते ऐ नाल है जी स्वीट डिश आ गई है जी, ते ऐ सलाद हैगा जनाब साहब, ते ਇਹ ਰਾਇਤਾ ਦਾ ਡੋਲ ਬਾਲਿਆ ਇੰਜ ਬਾਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸ਼ਾਂ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ,
ये सारा तुसी इमरान साहब दे करके तुसी जनाब इन्हां डिशां भर के ले आ गए आ गए तुहानू पता जी मैं थोड़ा ही खाना ते एदे विच की हैगा जी ए देखो जी घर दी गांव दी बनी हुई जी रोटी माशाल्लाह ते ए सारा कुछ जनाब असी तनावल करांगे जनाब साहब ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जी आज हमें जो है देसी मुर्गा जो है वो खाने लगे हैं और फिर टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है करदा सी ओए 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 घर दे कुकर दी कुर्बानी आ गई जी वो दी गया जी इत्थे पाओ सर तुसी मैं आ भी पत्ते कुकर दी फिलहाल मेरी प्लेट जी पाओ खानन पूरा पा तो लोग शुरू कर लेंदे ए मुर्गे दी टांग मेनू देना मैं चेक करनी है किस तरह थोड़ा आवे हैना मैं बाद च करदा ओ यार समझदार चल बस बाकी थोड़ा मसाला पा दो मसाला कुठो लबो मैं बस बस रहन दे चलो चलें जी अब खाना शुरू करते हैं। अभी हम राणा साहब के ज़मीन पे आए हैं यहाँ पे और अपनी फरमाइश पे यहाँ पे जो है हम शहर में गन्ने लेके जाएंगे और ये सारे देख रहे हैं यहाँ पे गन्नों की जो है वो कटाई हो रही है आगे भी लोग जो है वो गन्ने काट रहे हैं तो चलते हैं थोड़े से यहाँ से गन्ने काटते हैं उसको तोड़े में डाल के तो शहर में ले जाएंगे। वाह क्या बात है देखें जी यहाँ पे कुछ गन्नों की जो है वो कटाई करके इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये लोग जो है यहाँ पे गन्ने की कटाई कर रहे हैं अब खाते हैं जी छांटी कर रहे हैं ये गन्ने दी केड़ी किस्म है जी अच्छा 13-40 मिठा है ये तैयार है नरम छिलके वाला हाँ जी चल सीनियर फड़ गन्ने अपने एक इमरान अंकल को लेके फड़ के साइड ते कीती है गट्टू च जेड़े पूरे आ जान दो दो पीस कर लो ना जी अंकल जी हमारे लिए जो है छंटी करके गन्ने यहाँ से निकाल रहे हैं फिर हम इसको तोड़े में डाल के ले जाएंगे साथ में ये सजा साहब भी आ गए हैं जनाब साहब ट्राई कर रहे हैं गन्ना चेक करके बताएं जी कैसा है देख लेना कितने अपने दंद ना तोड़ लेना नरम है मिठा तो छिलके तो पता चल गया मिठा हैगा अच्छा जी नरम है और मीठा है ये जी ये देखें अब मेरी ट्राई है मैं इसको छील के जो है वो चेक करके बताता हूँ कैसा है छिलका मुश्किल उतर रहा है क्योंकि ये काफी मोटा है साइज का ठीक है नॉर्मल है बहुत ज्यादा मीठा नहीं है अच्छा है बहुत ज्यादा मीठा होना ही नहीं चाहिए शुगर ना हो जाए लाओ कर दे
ये जी यहाँ पे गन्ने की कटाई जा रही है और हम भी अपने लिए यहाँ से जो है वो फ्रेश गन्ने जो है वो कटवा रहे हैं और फिर इसको एक तोड़े में डाल के जो है वो शहर ले जाएंगे और वो वहाँ जाके इनका जो है अंदर से रस जो होता है वो उससे इंजॉय करेंगे। वो नेचुरल चीज़ है जी माशाल्लाह, जैसे शहरों के अंदर गन्ने का रो गन्ने का जूस बेचा जाता है मशीन में डाल के, तो ये भी उसी तरह का होता है, लेकिन इसको जो है वो ज़रा मुँह से चबा के खाना पड़ता है। ये देखिए जी हमारे अमीर जमात इमरान साहब जो है वो गन्ना चूस रहे हैं। हाँ जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा लगा गन्ना चूपन ये अच्छा इसलिए कह रहे हैं रगा है कि मैंने आज रज की रोटी खाई है इन्होंने। ये राणा साहब हमारे लिए जो है वो हमारी फरमाइश पे गन्ने जो पैक कर रहे हैं चुन चुन के हैं। जी अब गन्ने हमारे कटाई हो गई है, अब ये पैक हो रहे हैं तोड़े के अंदर डाल के इसको बांध के और हम अपने रवाना हो जाएंगे शहर को। देखो जी सजा साहब को गन्ना बहुत ही पसंद आया, ये वाला मीठा है ना। हाँ जी गर्मियां नु हां जी इथे चक लेवांगे तो आप ही इथे कुकिंग वगैरह करांगे थोड़ा टाइम काट के आइयो दिन भी बड़े होने। हां जी ना कुकिंग करनी होवे तो ना करो, करा लेंगे वो भी कोई मसला नहीं हैगा।